जिला सैनिक बंधु की बैठक जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही फायरिंग रेंज तैयार किया जाएगा। इसके लिए फर्टिलाइजर में भूमि चिन्हित कर लिया गया है। एसएसबी एवं राइफल क्लब के संयुक्त प्रयास से इसे तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुसार प्रत्येक शस्त्र धारक को उसके नवीनीकरण के पूर्व फायरिंग करने का निर्देश है, परंतु गोरखपुर में फायरिंग रेंज न होने के कारण अन्य जिले में जाना पड़ता है। इससे सभी को दिक्कत होती थी, जिसको शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंडर रजिस्टर्ड भूतपूर्व सैनिक की कॉलोनियों को सभी आवश्यक सुविधाएं, नाली, खड़ंजा, पेयजल की सुविधाएं नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसी कॉलोनियों के सभी निवासी मकान का नामांकन करा लें और टैक्स जमा करा दें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उनको दूर करने के निर्देश दिए। बैठक में एसपी नॉर्थ रोहित सिंह, समाज कल्याण अधिकारी सप्तश्री, सेवा योजन अधिकारी अरविंद कुमार, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कमांडर त्रिभुवन सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। जमीन काली है, फसल कट गया है, पैमाइश होना तो फटाफट हो जाएगा। तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कंफर्म की वजह प्रॉब्लम हुआ, बाकी प्रॉब्लम पिछले मंथ के सॉल्व हो गए थे। ही नॉट हियर, बट उनका प्रॉब्लम है कि उनको एक गन लाइसेंस इशू हुआ था यहीं से 2000 का मिस्टेक, तो कैलिबर हैड बीन चेक 13 क्या त्रुटि होगी? मतलब होना था, लेकिन 30 नंबर था वो नंबर, जबकि नंबर ही सेम है, जस्ट उनका एक समस्या है कि स्क्रीनिंग हो गया था, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम यूएस कोर्ट की गलत रास्ता है जिसमें भेजने के लिए कंस्ट्रक्टर से भेजा गया, बट अब वो बेनामा है उसके पास। हाँ हाँ कहिए।